तो है गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर पोर्ट्रेट ड्राइंग ट्यूटोरियल सीरीज़। तो गाइज, इस सीरीज़ में हम ड्रॉ करने वाले हैं तापसी पन्नू मैम को, और ये है उसका लेसन वन, जिसमें आउटलाइन को कवर करेंगे। और जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री हैंड है। लास्ट वाले ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन बनाया था, और वहाँ से मुझे DMs आ रहे थे और कमेंट भी आए थे कुछ कि फ्री हैंड मेथड यूज़ करो, फ्री हैंड मेथड बताओ किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो ये पोर्ट्रेट हम फ्री हैंड ही बनाने वाले हैं। तो रेफरेंस पिक्चर आपको सामने दिख रही है, ये पिक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मटेरियल की, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मटेरियल में मैं आपको बता दूँ कि जो मैं सीट यूज़ कर रहा हूँ वो आइवरी की है, A4 साइज़ की। एक अप्सरा की पेंसिल मैं यूज़ करूँगा आउटलाइनिंग के लिए, HB पेंसिल, और एक मैकेनिकल पेंसिल फाइन लाइन जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा, और एक डिवाइडर थोड़ी बहुत जहाँ पे मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो ज़्यादा मटेरियल नहीं है। तो आगे चलते हैं प्रोसेस पे, किस तरीके से हमें बनाना है। तो गाइस, जब हम ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहे थे आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, तो वहाँ पे हमें पता था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर ड्रॉ करनी, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस आ जाते थे और उसके थ्रू हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाता था कि कहाँ पर क्या ड्रॉ करना है और कितने साइज़ में ड्रॉ करना है, तो हम ईज़िली वहाँ पर ड्रॉ कर लेते थे। जब हम बात करते हैं फ्री हैंड की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या और सबसे पहली समस्या यही आती है कि कौन सा पार्ट हम किस जगह पे और किस साइज़ में ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, जिसके थ्रू आप रेफरेंस पॉइंटेड ले पाओगे और उसके बाद किस साइज़ में ड्रॉ करना वो भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो कुछ यहाँ पर आउटलाइन बनाने के लिए हम वही एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे जो एप्लीकेशन मैंने ग्रिड मेथड में यूज़ किया था। आप वहाँ पर ग्रिड को ऑन करके हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी ग्रिड नहीं हम बना रहे। यहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज़ करने का रीज़न यही है कि इसमें एक ऑप्शन मिलता है जो जिसमें हम इमेज को रियल साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिस साइज़ में हम बनाने वाले हैं लगभग उसी साइज़ में हम इसको जूम कर सकते हैं। इससे हमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि जिस साइज़ में भी हम बनाने वाले हैं पोर्ट्रेट को, हम बनाने वाले उसी साइज़ में हमें फ़ोन में या फिर टैब में जिसमें भी आप देख रहे हो वो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें रेफरेंस पॉइंट लेने में इजी हो जाता है। तो मैं अब देखो किस तरीके से मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ एक पार्ट्स हैं जहाँ पे उसके डिस्टेंस हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम ले लेंगे और वहाँ पे मार्क कर देंगे। देखिए किस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं दो लाइन, इसका मतलब ये है जो फर्स्ट वाली लाइन जो ड्रॉ करी है उसका मतलब ये है कि जो आई का पोजीशन है, आई का जो लोकेशन है वो लेफ़्ट साइड से इतनी दूरी पे है, और चिन का जो लोकेशन है वो लेफ़्ट साइड से इतनी दूरी पे है। तो ये चीज़ हमें पता चल गया। अब हम वर्टिकली अगर हम वो दूरी नाप लें तो हमारा जो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दो लाइनें क्रॉस करेंगी, वहाँ पर हमारा जो आईब्रो है उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, तो वहाँ से हमें ये हेल्प किट मिलेगा। तो दो तीन रेफरेंस पॉइंटेड हम ले लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगी किस कौन सी चीज़ किस जगह पे ड्रॉ करनी है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे आईब्रो को भी मार्क कर लेंगे जिससे हमें दूसरा आई ड्रॉ करने में हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाता है कि आगे किस तरीके से ड्रॉ करना है, और बाकी चीज़ें तो हमें ऑब्जर्वेशन से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि साइजेस या फिर साइजेस डिफरेंस ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ पे मेज़रमेंट ले सकते हो, वहाँ पे मेज़र कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए कि आप जो ड्रॉ कर रहे हो, लाइक मान लो कि आप नोज़ ड्रॉ कर रहे हो और वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने नोज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया या फिर छोटा हो गया है, तो वहाँ पे आप रियल साइज़ में कन्वर्ट करके वापस से आप डिवाइडर से एक बार आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही ड्रॉ किया या नहीं।
तो गाइस फ्री हैंड आउटलाइन जब हम बना रहे होते हैं तो इसमें दो तीन फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट फेज में सिंपली मैं केवल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैं फेस बना रहा हूँ, जो भी जिनका भी मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उनका फेस मैच करे। पहले स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद हम एक्यूरेसी देखेंगे कितना एक्यूरेट है, उसके बाद एक्यूरेसी पे काम करेंगे, उसके बाद ही हमारा आउटलाइन जो है वो कंप्लीट होगा। तो गाइस यहाँ पे जो मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आई का साइज़ होता है वो दो आई के बीच का डिस्टेंस भी होता है और वही आईज एंड नोज़ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता, आपको आप चाहते हो कि मैं ये भी डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसको भी मैं डिटेल में कवर कर दूंगा। तो गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोज़ एंड चिन का जो बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आई के साइज़ के डबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पाओगे, एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाओगे, आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप एक्यूरेट ड्रॉइंग बनाना चाहते हैं फ्री हैंड से तो आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका भी डिटेल में वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दो, अगर आपको पता है तो आपको ये पता, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस भी पार्ट को आप ड्रॉ कर रहे हो और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस जगह पे ये ड्रॉ करेंगे और कितना डिस्टेंस पे रखेंगे और क्या साइज़ होगा, तो वहाँ पे मेज़रमेंट आप रेफरेंस से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ईयर का पोजिशन में देख रहा हूँ कि कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ और वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ईयर की लोकेशन एंड साइज़ हमें कितना ड्रॉ करना है। तो गाइस इस तरीके से हम ऑब्ज़र्व करके, रेफरेंस को ऑब्ज़र्व करके हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज में जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट बनाएं, एक्यूरेसी पे कम्प्लीटली फोकस करें। अगर आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हो 50% भी एक्यूरेट है, आपका काम चल जाएगा, आप उसको अगले फेज़ में आप उसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आगे हम एक्यूरेसी पे काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया जिसमें हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे और स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो फेस यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो भी हमने पार्ट्स ड्रॉ करी हैं, जैसे आइज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, वो एक्यूरेटली ड्रॉ हुआ, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन फेस का वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मेज़रमेंट लेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे
और वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे हमने गलती करी है, थोड़ा सा मेज़र कर लेंगे, साइजेस देख लेंगे, तो उससे हमें एक्यूरेसी अचीव करने में, अगले स्टेप में जाने में मदद मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मुझे पता चला कि नोज़ और ईयर के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इतना नहीं होता है बेसिक स्ट्रक्चर में, इतना नहीं होता। तो वापस से मैंने क्रॉस चेक करने के लिए मेज़रमेंट लिया कि उसकी जो साइज़ है वो जितनी होनी चाहिए थी उतनी ड्रॉ हुई है या फिर ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे मैंने पाया कि वो एक्चुअल में ज़्यादा है, उसके बीच का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो गया। और यहाँ पे ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब हमने इमेज को रियल साइज़ में कन्वर्ट किया था तो वो जो साइज़ थी इमेज की वो एग्जैक्टली जिस जो पेज का हमारा साइज़ है वो नहीं था, उतना नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ईयर का जो हमने कैलकुलेशन लिया था, मेज़रमेंट लिया था, वो राइट साइड से लिया था और आई का मेज़रमेंट मैंने लेफ़्ट साइड से लिया था, ठीक है। तो उसकी वजह से बीच का गैप जो ज़्यादा हो गया क्योंकि साइज़ सेम नहीं थी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, साइज़ ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप एक साइड से ही कैलकुलेशन दो। जैसे ईयर का साइज़ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जब आप अपने स्टार्ट करी है कैलकुलेशन राइट साइड से तो आप सारा का सारा राइट साइड से कैलकुलेशन लो, अगर आपने लेफ़्ट साइड से लिया तो लेफ़्ट साइड से लो। अब देखो ऐसी गलतियाँ आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आपको पता चल जाएगा जब आप देखोगे इमेज को वापस से जो आपने ड्रॉ करी है, ड्राइंग आउटलाइन जो भी आपने ड्रॉ करी है आप वापस से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ी को आपने देखा, उसको आपने देखा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, उसको आप उसके बाद आप उसको सुधारोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वापस से कैलकुलेट करके, वापस से मेज़र करके ईयर को हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे ईयर वाले पोर्शन को हम बाद में ठीक कर लेंगे, फ़िलहाल मैं इधर के पोर्शन को मैं कवर कर लेता हूँ। आई को मैं अच्छे तरीके से और भी डिटेल में ड्रॉ करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी ठीक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करके हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने ईयर को अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिया और अनफॉर्चुनेटली ये जो क्लिप है यहाँ का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बट मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करके आपको जो जहाँ पे गलतियाँ उसको सुधारना है। तो आई एंड ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम बाकी पार्ट्स को कवर करेंगे।
तो गाइज अब लिप्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा मोड़ा मेज़रमेंट ले लेता हूँ क्योंकि लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए किस तरीके से मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ और इसको मैं वापस से रिक्रिएट कर रहा हूँ। तो गाइस आउटलाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा जहाँ पे मुझे गलतियाँ दिख रही हैं मैं उसको वापस से और ठीक कर लेता हूँ। जैसे ईयर का जो लोअर साइड था वो थोड़ा सा मुझे नीचे लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो गाइस एक चीज़ आप समझ लो कि फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करना और फेस को मैच कराना कभी भी इजी नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी। छोटी मोटी जो ट्रिक थी, जो तरीके थे, मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर है, केवल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। जाइए प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि फ्री हैंड मेथड कभी भी ईजी नहीं होता। बस गाइस आज के लिए इतना ही, और बाकी पार्ट्स को कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।